Which of the following characteristic is not included in the definition of modern census? इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में क्लियरली आप ये देख लीजिए कि आंसर नंबर 2 होगा। क्यों होगा? इस इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर ईच हाउस होल्ड, इसके बारे में जो बात की गई है, ये करेक्टरिस्टिक मॉडर्न सेंसस का नहीं होता है। 2011 के सेंसस तक में भी ये इंक्लूडेड नहीं था। मॉडर्न सेंसस होता क्या है? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, ए मॉडर्न सेंसस ऑफ पॉपुलेशन में बी डिफाइंड एज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल data pertaining at specified time or times, all persons in a country or delimited territory। ठीक है, इसके सम फीचर्स हैं। ये कौन कौन से हैं? स्पॉन्सरशिप, डिफाइंड टेरिटरी, यूनिवर्सलिटी, साइमल्टेनिटी, डिफाइंड पेरियोडिसिटी, इंडिविजुअल यूनिट्स, कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन, इंटरनेशनल साइमल्टेनिटी। ठीक है, अब आते हैं इसके ऑप्शन पर। फर्स्ट नंबर, कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल से डेटा कलेक्शन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर इसके फीचर में लिखा हुआ है इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, ये यही है। हाउस होल्ड के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। कलेक्शन ऑफ डेटा रिफर्स टू वेल डिफाइंड डेट, ये वेल डिफाइंड डेट होना चाहिए। 2011 सेंसस के रिगार्डिंग तो 1 मार्च 2011 था। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा रिफर्स टू ए वेल डिफाइंड एरिया, ये वेल डिफाइंड एरिया भी होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड एरिया कहाँ पर मिलेगा आपको? डिफाइंड टेरिटरी। ठीक है, आपको ये सारे फीचर्स यहाँ पर जो एक सिंगल वर्ड में लिखा हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। सिंगल वर्ड ही आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, और ज़्यादा इसके बारे में जो डिटेल देखना है तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं। इस लिंक से आपको और भी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें हम डिस्कशन देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ए ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल एवरी ईयर सिंस 1950। 1950 से हर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे का जो थीम था 2018 और 19 का, वो दोनों सेम था। कौन क्या था? वर्ल्ड हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर। देखिए यहाँ पर ये जो बाय मिस्टेक हो गया है, ये एक्चुअली में 19 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज हैविंग हाईएस्ट परसेंट ऑफ चिल्ड्रेन एज 12 टू 23 मंथ्स कवर्ड बाय मिजल्स वैक्सीन अकॉर्डिंग टू NFHS 4 2015-16 फैक्ट शीट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ आंसर छुपा हुआ है। NFHS 4 कब हुआ था? 2015-16 में। आप इसको याद रखिए, ये हो सकता है इस पेपर में आगे कहीं भी ये NFHS से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन आया हो तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। जो यहाँ पर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और हमने यहाँ पर इजी एक्सेस के लिए इस NFHS 4 के जो फैक्ट शीट है, उस फैक्ट शीट से इस डेटा को यहाँ पर हमने अरेंज किया है, जो येलो मार्क में दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर महाराष्ट्र भी दिख रहा है। इसमें जो सबसे मैक्सिमम कौन सा है? वो केरला है, तो सीधा आंसर हो जाएगा केरला। अब देखिए, ये जो मिसिल्स है, वो मिसिल्स किस वैक्सीन के अंडर में आता है? MMR वैक्सीन कहलाता है। ये MMR जो वैक्सीन है, वो मिसिल्स, मम्स एंड रूबेला, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, MMR वैक्सीन। NFHS के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज ए लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे कंडक्टेड इन ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड थ्रू आउट इंडिया। जो NFHS 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये अभी 5वां राउंड चल रहा है। टोटल इस सीरीज में 5 राउंड हुए हैं। जो फर्स्ट राउंड हुआ था वो 92-93 में हुआ था, NFHS 2 98-93 में, NFHS 3 56 में, NFHS 4 15-16 में, और NFHS 5 जो है वो 18-19 में। यहाँ पर हमने इसको इसलिए मेंशन किया है कि ये जो NFHS से रिलेटेड ईयर्स हैं, वो आपको मैच करने के लिए या फिर ऑप्शन में देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज यूज्ड इन जेंडर एम्पावरमेंट मेजर GEM। अगर आपको याद होगा, हमने यहाँ पर लिंक भी कर दिया है इस क्वेश्चन को। 32, 38 एंड 40, ये दिसंबर 2014 का पेपर है, और क्वेश्चन नंबर 80 ये जुलाई 2018 का पेपर है। इसमें सेम क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा गया है वहाँ। ठीक है, तो ये सोच सकते हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो GEM जो है वो जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स के केस में हमने वहां पर डिफाइन किया था। देखिए, यूएनडीपी इंट्रोड्यूस्ड जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई एंड जेंडर एम्पावरमेंट मेजर इन 95 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिफरेंशियल, डिफरेंशियल्स इन द लेवल ऑफ एजुकेशन, वेमेंस रिलेटिव इनकम एंड ऑल ऑफ द एबव। ये ऑल ऑफ द एबव जो है यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये कंफ्यूजन आपका कैसे दूर होगा, यहाँ से होगा। जीईएम मेजर्स द जेंडर इनइक्वालिटी इन 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ एम्पावरमेंट। कौन कौन से डायमेंशन है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, एंड थर्ड नंबर पावर ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो यहाँ पर इन तीनों में आप मैच करके देख सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर मैच हो रहा है। आपको क्लियर दिख रहा है, वुमेन्स रिलेटिव इनकम, डिफरेंशियल्स इन द लेवल ऑफ एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से कोई एक आंसर नहीं होगा, जो कि आसाम है। ठीक है, हमने तो यहाँ पे क्लियर बता दिया कि आसाम नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यह जानकारी होना चाहिए कि ईएजी स्टेट होता क्या है, कितने स्टेट होते हैं। ईएजी के अंडर में 8 स्टेट आते हैं। ईएजी का मतलब होता है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इन सारे स्टेट्स को याद रखना बिल्कुल ही ईजी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान एंड उड़ीसा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मैंने यहाँ पर स्टेट्स को साथ में रखा है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इन दोनों को भी साथ में रखा है, बिहार और झारखंड इन दोनों को भी साथ में रखा है, और अलग से 2 स्टेट और, राजस्थान और उड़ीसा। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था और बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों स्टेट एक ही ईयर के, एक ही मंथ में एक दूसरे से अलग हुए थे, सन 2000 में। ठीक है, 8 स्टेट मिलकर के ईएजी स्टेट होते हैं, और इसमें अगर हम आसाम को भी ऐड कर दें तो ये एएचएस स्टेट कहलाता है। इसलिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इस आसाम को दिया गया है। एनुअल हेल्थ सर्वे स्टार्टेड इन 2005 विच कवर 284 डिस्ट्रिक्ट इन द 9 स्टेट्स। कौन कौन से? 8 ईएजी प्लस आसाम। These states share approximately 50% of the total population in the country. Which among the following is the approximate total population of transgenders in India according to 2011 census? Transgender की जो total population थी census 2011 के according वो 4.88 लाख थी। यहाँ पर हमने mention भी किया हुआ है। इसमें और भी information देख लेते हैं। The data of third gender where collected for the first time in census 2011 with the details employment, literacy and caste. The data of transgenders have been curbed inside males in the primary data released by census department. जो transgender का जो data था वो male के साथ में club किया गया था, तो इसमें answer कौन सा हो जाएगा? Third number 4 to 5 लाख। जो इसमें exact जो कितना figure था 4.88 लाख। Question number 7, which one of the following statement is correct to use indirect method of standardization to estimate standardized birth rate? इसका मतलब age specific birth rate किस केस में यूज होगा? when reference population are not known। इसमें आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अब ASFR होता क्या है? the reproductive age interval 15 to 49 can be either divided into single year, 5 years or wider interval and rates could be made specific for each age group. ASFR को define ऐसे किया जाता है, number of births to women aged X during a given year divided by mid-year population of women aged X. single year के केस में ये वाला formula हो जाएगा into K. ठीक है, और ASFR is equal to number of births to women aged X to X plus N during a given year. तो ड्यूरेशन क्या हो सकता है? 5 years और वाइडर। इसका मतलब कि जो n है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 5 और मोर। इसका डिनोमिनेटर भी यही हो जाएगा, x टू x प्लस n इंटू k। इसका और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इज फाउंड टू बी वेरी यूजफुल फॉर कंपैरिजन फर्टिलिटी एट डिफरेंट एजेस ओवर टाइम, फर्टिलिटी बिहेवियर एट डिफरेंट एजेस एंड फर्टिलिटी अक्रॉस कंट्रीज और पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following indicates male-female gap in literacy rate of India based on 2011 census? देखिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिंक करके भी लिख दिया है, लिंक्ड टू क्वेश्चन नंबर 32 दिसंबर 2014। तो मेल फीमेल गैप इन लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया कितना है? 16.3%। जो टोटल लिटरेसी रेट है इंडिया का 73% है। मेल लिटरेसी रेट है 80.9, फीमेल लिटरेसी है 64.6 एंड इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 16.3 है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फीमेल लिटरेसी गैप कितना है, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा 15 to 20%। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सम ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रेटर मोबिलिटी एमंग मेल देन फीमेल, एम्प्लॉयमेंट इज द मेन रीजन ऑफ माइग्रेशन फॉर फीमेल वाइल मैरिज इज फॉर फीमेल, सेक्स रेशियो ऑफ माइग्रेंट्स डिक्लाइंस शार्पली एज डिस्टेंस, मैरिज इज द सिंगल लार्जेस्ट रीजन ऑफ ओवरऑल माइग्रेशन। इसमें आंसर नंबर 3 होगा, यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, उसके पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज इंटरनल माइग्रेशन? इंटरनल माइग्रेशन होता क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम वन डिफाइंड एरिया टू अनदर विद इन ए कंट्री। ये कंट्री के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह का पलायन होता है, इसको हम कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। रीजंस कैरेक्टराइज्ड फॉर इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया, वर्किंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस एंड एजुकेशन, मैरिज, फैमिली मूव, मूवमेंट विथ हाउसहोल्ड्स, ये इतने सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक रीजन होंगे। इसमें एक डिस्टेंस भी आता है। डिस्टेंस क्या होगा? माइग्रेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इज मच मोर कॉमन देन माइग्रेशन टू रिमोट लोकेशन। मतलब इंटरनल माइग्रेशन में जो शॉर्ट डिस्टेंसेस का जो माइग्रेशन होगा वो ज्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू रिमोट लोकेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया इज द मैरिज। ये मैरिज के केस में होता है, ये रूरल टू रूरल माइग्रेशन भी होता है। विच शेयर्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द माइग्रेंट्स। अब यहाँ पे इसके ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन हमने पहले ही देख लिया है। यहाँ पर ग्रेटर मोबिलिटी एमंग मेल देन फीमेल है, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की मोबिलिटी हो रही है, होगी इंटरनल माइग्रेशन के केस में, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर मोबिलिटी का कोई केस नहीं बन पाएगा क्योंकि मैरिज जो है एक सिंगल इंडिकेटर है जो लार्जेस्ट रीजन रखता है ओवरऑल माइग्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, एमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट कोटपा 2003। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एडिशनल सेस ऑन ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, प्रोहिबिशन एंड एडवर्टाइजमेंट, सेल एंड सप्लाई ऑफ सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, प्रोहिबिशन ऑन सेल्स ऑफ सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स टू पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, इसके बाद हम इसके आंसर को देखेंगे। हालांकि यहाँ पर आंसर नंबर 1 होगा, देखते हैं कैसे होगा। कोटपा स्टैंड्स फॉर सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल प्रोडक्ट्स कंटेनिंग टोबैको इन एनी फॉर्म। द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल कंट्री इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इंफॉर्मेशन हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है वेबसाइट, आप यहाँ से इसके बारे में और भी डिटेल ले सकते हैं। इस केस में जो हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडिशनल सेस की यहाँ बात की जा रही है। एडिशनल सेस किसी भी प्रोडक्ट पर ऐसा कुछ भी नहीं लगाया गया था कि एडिशनल सेस लिया जाएगा, इसलिए पूरी तरह से प्रोहिबिटेड था। ठीक है, तो हमारा तीनों ये होगा, लेकिन इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एसर्शन और रीजन के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, एसर्शन देखते हैं पहले। मेल पार्टिसिपेशन इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ मैटर्स इज लो, ये बिल्कुल सही लिखा है। पूरे वर्ल्ड में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के मैटर्स के ऊपर जितने भी स्टडीज होते हैं वो सारे वुमेन के ऊपर होते हैं, तो इसमें मेल पार्टिसिपेशन लो होगा। इसका रीजन क्या है? मेल्स यूजुअली बिलीव दैट एंटीनेटल केयर एंड सेफ डिलीवरी आर सोल वुमेन्स अफेयर्स इन विच दे हैव लिमिटेड रोल टू प्ले। ये भी बिल्कुल इसका सही रीजन लिखा हुआ है, इसमें आंसर नंबर 1 हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर में बी वन ऑफ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंटीनेटल केयर अब होता क्या है, इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। The care provided by skilled health care professionals to pregnant women and adolescent girls in order to ensure the best health conditions for both mother and baby during pregnancy. The component of ANC, risk identification, prevention and management of pregnancy related और कंकरेंट डिजीज, हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। ये जो इतना मैटर जो मैंने कहां से लिया, इस वेबसाइट से, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, चारों और चारों को मैच करना है। एनवायरनमेंटल डिटर्मिनिज्म, एनवायरनमेंटल पॉसिबिलिज्म, एनवायरनमेंटलिज्म एंड एर्गोग्राफ। पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, उसके बाद हम इसको मैचिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर सबको अरेंज करके इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। इट इज द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ एनवायरनमेंट व्हिच कॉजेस सोशल डेवलपमेंट और द आइडिया दैट नेचुरल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस द पीपुल। एनवायरनमेंटल पॉसिबिलिज्म क्या है? पॉसिबिलिज्म इज ए थ्योरी दैट पीपुल कैन एडजस्ट और ओवरकम ऑन एनवायरनमेंट। इट इज रिएक्शन टू एनवायरनमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये जो एनवायरनमेंटल डिटर्मिनिज्म है, इसका ये एक रिएक्शन होगा। एनवायरमेंटलिज्म और एनवायरमेंटल राइट। एनवायरमेंटलिज्म डिनोट्स ए सोशल मूवमेंट दैट सीक्स टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल प्रोसेस बाय लॉबिंग, एक्टिविज्म एंड एजुकेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम्स। और एर्गोग्राफ क्या होता है? एन एर्गोग्राफ इज ए ग्राफ दैट शोज ए रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज और एग्रीकल्चरल क्लाइमेट फैक्टर्स एंड ए सीजनल ईयर्स। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होगा? ए डॉक्ट्रिन दैट स्ट्रेस कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। यहाँ हमने डेफिनेशन भी देखा था, नेचुरल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस द पीपुल, ये ह्यूमन की बात हो रही है यहाँ। तो एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म कनेक्टेड हो जाएगा थर्ड नंबर से। एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म क्या होगा? इट इज ए रिएक्शन ओवर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो इस केस में यहाँ पर जो लिखा हुआ है ओवरकम एन एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा इसका फोर्थ नंबर, ए डॉक्ट्रिन दैट एनालाइज द पॉसिबिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटलिज्म ये क्या हो जाएगा? ए डॉक्ट्रिन दैट स्ट्रेस द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो ये सी का फर्स्ट हो जाएगा। और एर्गोग्राफ जो होगा वो टाइप ऑफ सीजनल ह्यूमन एक्टिविटीज होता है, ठीक है। तो इस केस में ए का थर्ड देखिए, ए का 4 1 4 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ लास्ट में थर्ड, इसमें आंसर डायरेक्ट 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच एमंग द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड हेडेड बाई फीमेल्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। यहाँ पर जो आंसर होगा 10 to 15%। एक्चुअल जो डेटा फिगर क्या था वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, मिल जाएगा, ठीक है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग फीमेल हेडेड हाउस होल्ड 10.9% है, approximately 11%. The census 2011 provides data on sex of the head of the households for the first time in the history of census. There are about 27 million female-headed households in the country. जो total female-headed household थे वो कितने थे? 27 million. Okay. The highest number of female-headed households is in Lakshadweep at 43.7%. एंड इन केरला एट 23%। ये दो अलग से डेटा है, इसका सोर्स हमने कहां से लिया है? 2011 सेंसस से। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स लो टू हाई बाय देयर लेवल ऑफ क्रूड डेथ रेट अकॉर्डिंग टू द एसआरएस बुलेटिन 2016। यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा के रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये 2017 का पेपर है और उस समय के करंट डेटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अभी हम इस क्वेश्चन को करंट टाइम में जो सॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर करंट डेटा देखेंगे, जो कि एसआरएस का करंट डेटा जो है मई 2019 का है। मैंने यहाँ पर इस बुलेटिन से डेटा को अरेंज करके रखा हुआ है। केरला का जो क्रूड डेथ रेट है 6.8, वेस्ट बंगाल का 5.8, महाराष्ट्र 5.7 एंड गोवा 6.2। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है लो टू हाई, सबसे मिनिमम कौन सा है? महाराष्ट्र 5 to 7, फिर 5 to 8, C B D and A, कोई कौन सा है? थर्ड नंबर C B D A। देखिए जो दिसंबर 2016 का जो पेपर है उससे अभी का जो ऑप्शन है मई 2019 का जो डेटा है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ अरेंजमेंट सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर बाय लक ये मैच हो गया तो आंसर हमारा थर्ड होगा। कभी कभी यूजीसी नेट के पेपर में क्वेश्चन एसआरएस बुलेटिन के बीच से कहीं से पूछा जाता है, जो पहले भी कभी पूछा गया है और अभी भी पूछा गया है। तो इसमें आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट करने के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये टॉप मोस्ट नहीं पूछ रहा है और टॉप लिस्ट नहीं पूछ रहा है, इसके बीच से कहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू एसआरएस बुलेटिन मे 2019 करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डेथ रेट फ्रॉम लो टू हाई ये हो जाएगा, जो अभी मैंने यहाँ पे अरेंज करके देखा है। ठीक है, मिनिमम डेथ रेट जो है फ्रॉम लो टू हाई टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन है। सबसे मिनिमम जो डेथ रेट है वो नागालैंड का है 3.6, फिर एनसीटी ऑफ दिल्ली 3.7, मिजोरम 4 एंड डीएनएच दादरा एंड नगर हवेली, ये शॉर्ट होता है दादरा एंड नगर हवेली का डीएनएच लिखा जाता है, एंड सिक्किम और चंडीगढ़ ये दोनों का सेम है कितना 4.5। ओके, मैक्सिमम डेथ रेट कहाँ का है, छत्तीसगढ़ सबसे मैक्सिमम डेथ रेट है छत्तीसगढ़ का, उसके बाद उड़ीसा, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश एंड देन पंजाब। और इंडिया के केस में क्या है, बर्थ रेट 20.2, डेथ रेट 6.3, नेचुरल ग्रोथ रेट 13.9 और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 13। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो सबसे मैक्सिमम है वो मध्य प्रदेश का है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 15, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन परिवार विकास फॉर हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स विथ फॉलोइंग डिटेल्स। ये 2017 का क्वेश्चन है, नवंबर 2017 का, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है रिसेंटली लॉन्च्ड। अभी हम इस क्वेश्चन को 2019 में सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए पास्ट हो गया। यहाँ पर डिटेल क्या क्या दिया हुआ है, टोटल 145 डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कवर्ड, 7 हाई फोकस स्टेट्स will be covered, selected districts contribute to 30% of maternal deaths and 50% of infant deaths। ये 3 यहाँ पर arrangement दिया हुआ है, यहाँ पर हमें select करना है कि कौन सा सही है। इसमें आंसर 4th नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये कैसे होगा, इसके पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। इस डॉक्यूमेंट को मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PIB रिपोर्ट से यहाँ से मैंने लिया है। देखिए, मिशन परिवार विकास क्या था, मिशन परिवार विकास वाज लॉन्च्ड इन 2016 बाय द देन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री JP नड्डा विथ ए मिशन टू इंप्रूव फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एंड टू अचीव TFR टू रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी गोल्स ऑफ 2.1 बाय 2025। ये आप पूरा का पूरा डेटा याद रखेंगे। द मिशन परिवार विकास वाज लॉन्च्ड विद द फॉलोइंग डिटेल्स, फोकस ऑन 7 स्टेट्स हैविंग हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट। जो टोटल 7 जो स्टेट्स थे वो कौन कौन से थे, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड आसाम। दैट कंस्टिट्यूट 44% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। टोटल 145 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट्स इन दीज 7 स्टेट्स। द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूट टू अबाउट 25 to 30% ऑफ मैटरनल डेथ्स एंड 50% इन्फेंट डेथ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ओनली 30%, जो कि इस रेंज में आ रहा है, इसलिए A, B एंड C ये तीनों करेक्ट होगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और भी इसको अगर थोड़ा सा डिटेल अगर आपको जानना है तो PIB रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। आप वेबसाइट पर जाएंगे, PIB रिपोर्ट सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। इसमें A, B, C एंड D 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों के जो फाउंडर हैं उनसे मैच करना है। माइग्रेशन अकर्स इन स्टेजेस, ये रेवाइंस्टीन साहब ने दिया था, रेवाइंस्टीन ने लॉ ऑफ माइग्रेशन में इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। डाइवर्सिटी इन द नेचर ऑफ प्लेसेस प्रमोट वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन, ये पुश एंड पुल के केस में होता है। पुश जो ओरिजिन और पुल डेस्टिनेशन को बताता है। ये जो थ्योरी थी पुश एंड पुल की, ये एवर्ट ली ने दिया था, तो ये B का फर्स्ट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन बिटवीन 2 प्लेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन साइजेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। ये रैंक साइज रूल है, पॉपुलेशन साइजेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये रैंक साइज रूल किन्होंने दिया था, जिप साहब ने, ठीक है। और माइग्रेशन इज मोर ऑफ ए रिस्पॉन्स टू एक्सपेक्टेड बेनिफिट। यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड बेनिफिट लिखा हुआ है, मीन्स एक्सपेक्टेड इनकम, ये टोटारो साहब ने दिया था। A का 3rd, B का 1, यहाँ पर A का 3rd और B का 1 यहाँ मिल रहा है और बाकी किसी में नहीं है। आपका आंसर 1st नंबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एवर्टलीस इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल, रूरल टू अर्बन पुश एंड पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन। इस केस में ये इतने सारे कंडीशन होते हैं। डाइवर्सिटी इन द नेचर ऑफ प्लेसेस प्रमोट्स वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन। ये मैंने ऊपर की ही लाइन को दोबारा से लिखा है। एम टोडारोस एक्सपेक्टेड इनकम, माइग्रेशन इज मोर ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स एंड एक्चुअल वन। जिप रैंक साइज रूल भी मैंने वहीं से लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन में दिया है, वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन बिटवीन टू प्लेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन साइजेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। और जो फोर्थ नंबर है, ये रेवाइंस्टीन लॉ ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन अकर्स इन स्टेजेस। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। मोस्ट माइग्रेंट्स ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंसेस, माइग्रेशन प्रोसीड्स स्टेप बाय स्टेप। लॉन्गर डिस्टेंस माइग्रेंट्स प्रीफर टू गो टू ग्रेट सेंटर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री। ईच स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन प्रोड्यूसेस ए काउंटर स्ट्रीम। अर्बन ड्वेलर्स आर लेस माइग्रेटरी देन पीपल इन रूरल एरियाज। फीमेल आर मोर माइग्रेटरी देन males in internal migration, whereas males are more common in international migration. Large towns are own more of their growth to migration than natural increase. The volume of migration increases with the development of industry and commerce and as transport improves. Most migration is from the agricultural areas to centers of commerce and industry. और लास्ट है, द मेन सोर्सेज ऑफ माइग्रेशन आर इकोनॉमिकल। ये आप इतने जो जितने सारे पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। इसको मैंने कहाँ से लिया? ये एक वेबसाइट है शोध गंगा के चैप्टर 3 से। आप इसको सर्च करके इनके बारे में और भी जानकारियाँ ले सकते हैं। ये माइग्रेशन से ही रिलेटेड इसमें सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन राइटली डिस्क्राइब्स मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन। परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन को यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। इसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज है, तमिलनाडु डी नंबर, केरला एंड देन गुजरात एंड देन पंजाब। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? D C A B। देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर सही होगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 ऑर्डर ऑफ लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन हाई टू लो, तमिलनाडु, केरला, गुजरात एंड पंजाब। ये इसमें आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर 2। अब कुछ इसमें और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एनसीटी ऑफ दिल्ली 97.5% एंड यूटी चंडीगढ़ आर मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट्स अमंग ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अमंग स्टेट्स गोवा 62.2% इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड एंड हिमाचल प्रदेश 10% इज द लोएस्ट अर्बनाइज्ड। आपसे मैक्सिमम के बारे में पूछा जाएगा और इसमें जरूरी नहीं कि आपको परसेंटेज भी पूछा जाएगा, लेकिन आपको परसेंटेज याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, ये असर्शन और रीजन के ऊपर है। बिटवीन 1650 एंड 1920 द शेयर ऑफ पॉपुलेशन इन डेवलप्ड वर्ल्ड इंक्रीज फ्रॉम 20% टू 30%। इसका रीजन लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट चेंज इन डेमोग्राफिक बिहेवियर अकर्ड एज ए रिस्पॉन्स टू ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये असर्शन, ये जो कंडीशन लिखा हुआ है, ये और इसका रीजन, ये दोनों सही है। इसमें आंसर नंबर 1 हो जाएगा। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये कैसे होगा, इसके बारे में हमने कुछ डॉक्यूमेंट अरेंज किया हुआ है, जो क्लिप टेस्ट प्रिपरेशन रीजेंट्स ग्लोबल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी वर्कबुक वैली पब्लिशिंग का है। ये यहाँ से लिया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ 1 AD से 2000 तक का यहाँ पे ग्रोथ दिखाया गया है। 1 AD में ये 300 मिलियन था, जो 1650 में बढ़कर 470 मिलियन हो गया। इसके बाद 1850 में अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन हो गया। फिर 1930 में 2 बिलियन, 1975 में 4 बिलियन एंड 2000 में 6.1 बिलियन। ये कैसे कैसे बढ़ा, इसके बारे में हम यहाँ पर हमने कुछ मेंशन किया हुआ है। इसको पहले देखते हैं। टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ पीस्ट वाज अराउंड 200 टू 300 मिलियन एंड इट हैज इंक्रीज्ड टू 470 मिलियन बाय 1650 एडी। ये जानकारी कुछ अलग सोर्सेज से 500 मिलियन की भी मिलती है। By 1850, around 1,000 million masses were added to the world population. It means the population doubled from 500 million in 1650 to 1,000 million in 1850. In 200 years, again population doubled in only 80 years and become 2,000 million in 1930 from 1,000 million in 1850. 4,000 million, 4 billion. ये 4,000 million का मतलब 4 billion population in 1975 and 5,000 million means 5 billion population in 1987. The share of population in developed world increased from 20% to 34% between 1650 and 1920 because significant change in demographic behavior occurred as a response to overall social and economic development. इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से इस टॉपिक को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 एंड 2011 सेंसस। यहाँ पर जो चार स्टेट्स दिए हुए हैं, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, इसमें सिर्फ स्टेट के नाम दिए हुए थे। मैंने यहाँ पर जो ग्रीन में दिख रहा है सेंसस 2011 के डेटा से डिकेडल ग्रोथ रेट को मेंशन किया हुआ है, जिसमें बिहार मैक्सिमम है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 4 नंबर, बिहार 25.42% हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 टू 11 सेंसस इन द गिवन क्वेश्चन। बिहार हैज ऑल्सो द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अमंग ईएजी स्टेट। ऑर्डर ऑफ रैंकिंग हाई टू लो इज बिहार फर्स्ट नंबर, छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर, झारखंड थर्ड नंबर, राजस्थान फोर्थ नंबर, मध्य प्रदेश फिफ्थ नंबर, उत्तर प्रदेश सिक्स नंबर, उत्तराखंड सेवेंथ नंबर एंड एट्थ नंबर पर उड़ीसा। इंडिया का ग्रोथ रेट जो है 2001 से 11 के ड्यूरेशन में 17.7% और मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो था वो डीएनएच दादरा एंड नगर हवेली 55.88%। उसके बाद दमन दीव एंड मेघालय का था। मिनिमम ग्रोथ रेट नागालैंड का था जो निगेटिव में था -0.58%। इसके बाद केरला 4.91 एंड लक्षद्वीप 6.3 एंड एक मैंने और मेंशन किया हुआ है अंडमान एंड निकोबार। तो ये मैक्सिमम के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है और ईएजी स्टेट के बारे में हमने यहाँ पे मेंशन किया। इंडिया का ग्रोथ रेट 17.7% और मैक्सिमम और मिनिमम भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। इस क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है, अगर उस क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन अगर आए तो आपका इसी एक्सप्लेनेशन से कम 4 या 5 क्वेश्चन की तैयारी हो गई। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया। यहाँ पर देखिए ये 2017 का पेपर है, इस वजह से यहाँ 2016 के बारे में पूछा जा रहा है। चूंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट का 2017 का डेटा आ चुका है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2017 मेंशन करके दिया हुआ है। इसमें आंसर जो होगा अराउंड 60%। इस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के स्नैपशॉट को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसमें वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन आपको दिख रहा है 7.55 बिलियन। अफ्रीका और एशिया, यहाँ एशिया के बारे में पूछा जा रहा है, आप एशिया का प्रोपोर्शन इससे निकाल लीजिए। मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है एशिया का पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड का इंटू 100। ये कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा जो क्लोज टू 60%। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ नंबर। और इसके अलावा भी आप यहाँ पर जैसे ये मेंशन किया हुआ है वर्ल्ड का, अफ्रीका का, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्दर्न एंड ओशानिया, इन सब का पॉपुलेशन आप याद रख सकते हैं। और इसका ये प्रोजेक्शन है 2030 में कितना हो जाएगा, 50 में एंड 2100 में इसकी पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। तो एक सिंपल टेबल में आपको और भी चीजें तैयार हो जाएंगी। वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे वाज इनिशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम था जो 1972 में स्टार्ट हुआ था। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, टू इंक्रीज नेशनल कैपेबिलिटीज फॉर फर्टिलिटी एंड अदर डेमोग्राफिक रिसर्च पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंटरनेशनली कंपेरेबल डेटा ऑन फर्टिलिटी एंड टू मेक दीज अवेलेबल टू रिसर्चर्स फॉर कंपेरेटिव एनालिसिस। ये मैंने कहाँ से लिया? वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे का फाइनल रिपोर्ट जो इस वेबसाइट से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन बोंगार्ड्स प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट मॉडल विच कॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं। इसमें आंसर नंबर 4 होगा स्टेरिलिटी, कोइटल फ्रीक्वेंसी एंड लैक्टेशनल इनफेकेंडेबिलिटी। पहले देखते हैं प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट होता क्या है। इट डिस्क्राइब वेरिएबल्स दैट अफेक्ट ए फीमेल फर्टिलिटी। नेचुरल फर्टिलिटी क्या होता है जो यहाँ पर पूछा जा रहा है। नेचुरल फर्टिलिटी इज द फर्टिलिटी विच अकर्स विदाउट बर्थ कंट्रोल। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय फ्रेंच डेमोग्राफर लुइस हेनरी। ये लुइस हेनरी के द्वारा नेचुरल फर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप इसको याद कर लीजिए। लैक्टेशनल इनफेकेंडेबिलिटी, इसको पोस्टपार्टम एमेनोरिया या लैक्टेशनल एमेनोरिया भी कहा जाता है। इट रिफर्स टू द इंटरवल ऑफ टाइम इन विच ए मदर इज फुल्ली ब्रेस्टफीडिंग एंड यूजुअली कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट। स्टेरिलिटी और इनफेकेंडिटी, द लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए वुमेन और कपल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। कोइटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स भी कहा जाता है। दिस डिटर्मिनेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसीविंग अमंग ओव्यूलेटिंग वुमेन। Frequent or prolonged spousal separation has therefore a substantial fertility reducing effect. Question number 23. The small town of India has a population of 50,000. If growth rate of population is 2.5%, then how long will it take for the population of this small town to double? ये question जुलाई 2018 के क्वेश्चन 42 में पूछा गया है, पेपर 2 में सेम क्वेश्चन है, जिसमें वहां पर 50,000 का पॉपुलेशन नहीं दिया हुआ है, बस ग्रोथ रेट दिया हुआ है। इसमें डबलिंग टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो log 2/r होता है। आप इसको याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक रूल ऑफ 70 होता है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफाइन करना होता है तो उस केस में हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। डबलिंग टाइम इज इक्वल टू 70/r। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 28 ईयर्स आ जाएगा। इसका आंसर सेकंड नंबर सही हो जाएगा, 24 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन राइटली डिस्क्राइब द यूनिक फाइंडिंग्स ऑफ 2011 सेंसस? इसमें सभी आंसर सही हैं। यहाँ पर चारों ऑप्शन का कोड नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑल आर करेक्ट। यहाँ लिख सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इन चारों वेरिएबल को मैंने यहाँ पर अरेंज किया है। 2001 में सेंसस टाउन इतना था जो बढ़कर 2011 में 3894 हो गया। सेंसस टाउन में इंक्रीमेंट हुआ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ न्यू सेंसस टाउन एडेड, ये एड हुआ। अर्बन पॉपुलेशन इन परसेंटेज, ये 2001 में 27.82% था जो 2011 में 31.16% हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और भी है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस, इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन हैज रजिस्टर्ड ए हायर इंक्रीज देन द नंबर्स एडेड इन रूरल एरियाज। ये आपको इस लिंक से मिल जाएगा। इंडिया का टोटल पॉपुलेशन क्या था 2001 में 102.87 करोड़ एंड 2011 में यह बढ़कर कितना हो गया 121.08 करोड़। इसमें जो डिकेडल ग्रोथ रेट जो था 17.7%, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। लिटरेसी लेवल क्या था 64.8% 2001 में, और ये बढ़कर 73% हो गया 2011 में, एन इंक्रीमेंट ऑफ 8.2%। इसके बारे में इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स डिक्रीज ड्यूरिंग 2001 to 2011। द मैक्सिमम डिक्रीमेंट इन दिस रिगार्ड कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय बिहार। तो इस केस में जो सी नंबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन डिक्लाइंड, ये सही हो जाएगा। और सेक्स रेशियो 2001 में 933 था जो बढ़कर 943 हो गया, एन इंक्रीमेंट ऑफ 10 पॉइंट, ये भी सही है। इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल सेक्स रेशियो, तो इस केस में ए बी सी एंड डी चारों सही है, इसलिए आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। यहाँ मैंने स्टार मार्क लगाकर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, Which one of the following indicates the life expectancy at birth for females in India during 2011 to 2010? ये पूरा मैटर आपको इस वेबसाइट पर, उसी सेंसस ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। आप इसको नोट करके गूगल पर सर्च कर सकते हैं। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन 2011 to 15 has been 66.9 and 70 years for males and females respectively. मेल के लिए 66.9 years था और फीमेल के लिए 70 ईयर्स, जिसमें आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होता क्या है? द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ measures the average number of years a person is expected to live under prevailing mortality conditions. नंबर 26 है, assertion और region के ऊपर है ये क्वेश्चन। इसमें assertion है rate of growth in urban population that was on a declining trend since 1981 witnessed a reversal during 2001 to 2011. इसका रीजन लिखा हुआ है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हैज रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज ड्यूरिंग द डिकेड। इसमें आंसर नंबर 3 होगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ये कैसे होगा? यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन हैज रजिस्टर्ड ए हायर इंक्रीज देन द नंबर्स एडेड इन रूरल एरियाज। ये उस समय के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, Which of the following states has the largest number of million plus cities urban agglomeration? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अर्बन एग्लोमरेशन होता क्या है। A continuous urban spread comprising one or more towns and their adjoining outgrowths, ये अर्बन एग्लोमरेशन कहलाता है। The total urban population as per census 2011 is more than 377 million, constituting 31.16% of the total population of the country. ये आप परसेंटेज याद रखेंगे। ये जितने भी, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारी यहाँ पर चीजों को मेंशन किया हुआ है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास वन अर्बन एग्लोमरेशन क्या होगा? द अर्बन एग्लोमरेशन विच हैव एटलीस्ट 1 लाख पर्संस एज पॉपुलेशन आर कैटेगराइज्ड एज क्लास वन टाउन। क्लास वन टाउन वो होता है जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा होती है। इस टाइप के कितने अर्बन एग्लोमरेशन है? 468 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अब मिलियन प्लस ये क्या होता है? आउट ऑफ 468 क्लास वन कैटेगरीज 53 आर मिलियन प्लस जो कि 10 लाख होता है और एबव। कौन कौन से हैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है? उत्तर प्रदेश, केरला, इसमें ईच 7 अर्बन एग्लोमरेशन उत्तर प्रदेश में है और केरला में भी 7 है, टोटल 2 स्टेट्स। इसी तरह से महाराष्ट्र में 6, 1 स्टेट है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सब में 4-4 अर्बन एग्लोमरेशन है जो 3 स्टेट है, यहाँ पे 3 स्टेट मेंशन है। सिमिलरली 3 अर्बन एग्लोमरेशन आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड राजस्थान में है। वेस्ट बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़ में 2-2 है। एनसीटी ऑफ दिल्ली, कर्नाटका, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब में 1-1 है। यहाँ पर जब हम काउंट करेंगे तो ये टोटल 53 आएगा। 53 ऐसे अर्बन एग्लोमरेशन है जो मिलियन प्लस है। ये आपको सेंसस 2011 के डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। मेगा सिटीज, इसी में एक मेगा सिटीज होता है जहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो, वो एग्लोमरेशन मेगा सिटीज में आते हैं। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 3 अर्बन एग्लोमरेशन है जो 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन को रखते हैं, ग्रेटर मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 28, इन द लाइट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 Which of the following is not correct? यहाँ पर 2016 है, चूंकि यह 2017 का पेपर है इसलिए उस समय के करंट डेटा के बारे में पूछा जा रहा है। अभी HDI का 2018 का रिपोर्ट करंट रिपोर्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर 2018 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट कर दिया है। इसमें जो ऑप्शन है, इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ HDI हैज डिटेरियोरेटेड, इंडिया रैंक एमंग लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज, द HDI वैल्यू ऑफ इंडिया इज 0.64। ये 0.624 जो लिखा हुआ है ये अकॉर्डिंग टू 2016 लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर 2018 के अकॉर्डिंग इसको 0.64 से रिप्लेस कर दिया। इंडिया फेयर्स बेटर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये चारों और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स की जानकारी हमें इस टेबल से मिल जाएगा। पहले इस टेबल को देख लेते हैं, इसके बाद हम इसके आंसर पर आएंगे। द HDR 2018 कवर्स 189 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। द कंट्री मार्शल आइलैंड इज ए न्यू एडिशन इन HDR 2018 विच इज 106 रैंक विथ द HDI वैल्यू 0.708। वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? अबव 0.8। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो लिमिट होता है 0 to 1 होता है, जिसमें लो HDI, मीडियम HDI, हाई HDI एंड एबव एंड वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर इस टेबल को देखते हैं तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा। जो कंट्रीज है यहाँ पर 10 कंट्रीज का HDI वैल्यू मेंशन है। श्रीलंका 76 रैंक है, चाइना 86, मालदीव 101 रैंक है, इंडिया 130 रैंक है। 131 रैंक जो था वो 2016 में, तो 130 जो रैंक हुआ तो इंडिया का HDI में परफॉर्मेंस बेटर हुआ विथ HDI वैल्यू 0.64। भूटान 134, बांग्लादेश 136। इंडिया से बांग्लादेश का कंडीशन थोड़ा सा वर्स है और पाकिस्तान का भी वर्स है, ये रैंक 136 रखता है और पाकिस्तान 150। लेकिन ये सभी मीडियम HDI में आते हैं। मीडियम HDI का वैल्यू क्या होता है? 0.55 to 0.69। जो हाई HDI होता है 0.702 0.8 और लो HDI बिलो 0.55। इसमें एक पड़ोसी मुल्क आता है अफगानिस्तान, जिसका रैंक है 168 विथ HDI वैल्यू 0.498। अब हम इसके ऑप्शन को आ जाते हैं, देखते हैं। इंडिया रैंक इन टर्म्स ऑफ HDI हैज डिटेरियोरेटेड, ये बिल्कुल सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है। इंडिया रैंक्स एमंग लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, यहाँ पे लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में सिर्फ अफगानिस्तान है और इंडिया के साथ साथ मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान, ये सारे मीडियम HDI में आते हैं, इसलिए यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। इसमें हमारा आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। द HDI वैल्यू ऑफ इंडिया इज 0.64 ये मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, ये 64 ओके। और फोर्थ नंबर इंडिया फेयर्स बेटर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 29 मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शंस इन लिस्ट 2 यूजिंग कोड गिवन बिलो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस डील। यहाँ पर आंसर नंबर 1 होगा। जैसे ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। पहले हम इसको मैच कर लेते हैं। ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड देन डी का 4। हमने यहाँ पर मैच कर लिया। अब इसके बारे में डिटेल्ड हम अपने एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर से रिलेटेड। रियो समिट 92 में हुआ था जो एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इससे रिलेटेड था। क्योटो प्रोटोकॉल इंटरनेशनल बाइंडिंग ऑन एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। जो पेरिस डील था वो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। अब इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन 1989। इट सीक्स टू कट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रेगाइल ओजोन लेयर। रियो समिट The United Nations Conference on Environment and Development was held in 1992 in Rio. It is also known as Rio de Janeiro Earth Summit, the Rio Summit and the Rio Conference. ये इन सब अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। In 2012, the United Nations Conference on Sustainable Development was also held in Rio. ये 92 के बाद 2012 में 20 साल के बाद ये समिट फिर से रियो में हुआ, जिसको Rio+20 या रियो अर्थ समिट 2012 भी कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल इनिशियली एडॉप्टेड ऑन 11 दिसंबर 1997 इन क्योटो जापान एंड इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005. Under the protocol, 37 industrialized countries were observed and called Annex 1 countries. इस 37 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री को एनेक्स 1 कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल एम्स द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस टू रिड्यूस 4 ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन बाई अराउंड 5.2% बाई 2012। इसके बाद क्या आया? पेरिस डील हेल्ड इन 2015 इन पेरिस फ्रांस एंड केम इनटू फोर्स इन 2016 इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसमें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज दोनों टाइप्स के कंट्रीज पार्टनर थे, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को उनके एमिशन को रिड्यूस करना मैंडेटरी नहीं था। इसके बाद ही पेरिस डील आया, जिसको पेरिस एग्रीमेंट भी कहा जाता है। 2015 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था और ये 2016 में लागू हो गया। इस पेरिस एग्रीमेंट में यह टारगेट सभी देशों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था, जो डेवलप्ड कंट्री थे वो भी और जो डेवलपिंग कंट्री थे वो भी। क्वेश्चन नंबर 30 एज पर NFHS 4 अराउंड व्हाट परसेंट ऑफ एलिजिबल कपल्स इन इंडिया यूज मॉडर्न कंट्रासेप्टिव मेथड। आप NFHS 4 का जब इंडिया का फैक्ट शीट डाउनलोड करेंगे IIPS के वेबसाइट से, तो आपको उस फैक्ट शीट में ये इसका आंसर मिल जाएगा, जो अराउंड 48%, जो कि वहां पर मेंशन्ड है 47.8%। इसमें आंसर 3 हो जाएगा। फीमेल स्टेरिलाइजेशन 36% है ऑल ओवर इंडिया एंड मेल स्टेरिलाइजेशन 0.3% है उस NFHS 4 के इंडिया फैक्ट शीट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 31 Which of the following combination is correct in terms of percent population in urban areas in descending order? Higher to low world population के बारे में पूछा जा रहा है जो अर्बन है। इसमें आंसर दिया हुआ है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन और एशिया। यहाँ पर मैंने इस वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2018 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के अर्बन पॉपुलेशन के शेयर को मेंशन किया है। इसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम है वो दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो आंसर सबसे फर्स्ट में हो जाएगा बी। यहाँ बी फर्स्ट में और थर्ड में, ये दोनों में है। इसके बाद आ रहा है सी, तो बी और सी इसमें आंसर नंबर 3rd हो जाएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। According to World Urbanization Prospect 2018, 55% of the world's population lives in urban areas, which is expected to increase to 68% by 2050. ये 68% के इंक्रीमेंट का प्रेडिक्शन किया गया है 2050 तक। इन नंबर्स ओवरऑल 4.2 बिलियन पीपुल रिसाइडेड इन अर्बन सेटलमेंट्स कंपेयर्ड टू 3.4 बिलियन इन रूरल एरियाज। ये डेटा आप याद रखेंगे 4.2 और 3.4। अब कुछ और भी इसमें इंफॉर्मेशन देखते हैं जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। ये शेयर वर्ल्ड के अलग अलग रीजन के अर्बन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शंस को यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2018 से। नॉर्दर्न अमेरिका 82.2%, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन 80.7, यूरोप 74.5, ओसानिया 68.2, एशिया 49.9 एंड अफ्रीका 42.5। ये वर्ल्ड के 6 रीजन्स हैं जिसमें अर्बन पॉपुलेशन का सिनारियो ये है। आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी न्यू एम्स इज नॉट एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY। इसमें ऑप्शन है ऋषिकेश, जोधपुर, भुवनेश्वर, शिमला। इसमें आंसर नंबर हो जाएगा शिमला, जो हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर एम्स के एस्टेब्लिशमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है PMSSY के अंतर्गत। अब इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, हमें बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY वाज अनाउंस्ड इन 2003 और ये लॉन्च कब हुआ था? 2006 में। विथ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल रिलायबल टर्शियरी हेल्थ सर्विसेज एंड ऑल्सो टू ऑगमेंट फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री। इसके दो कॉम्पोनेंट थे। पहला कंपोनेंट ये था कि 22 न्यू एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस को इंडिया के अदर स्टेट्स में एस्टेब्लिश करना, और दूसरा इसका जो कंपोनेंट था वो अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें जो 22 न्यू एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट करने का लक्ष्य रखा गया था, फेज 1 में 6 स्टेट थे और फेज 2, 4, 5, 6 एंड 7 में 16 एडिशनल एम्स का अनाउंसमेंट किया गया था। जो फर्स्ट फेज में स्टेट थे, भोपाल जो एमपी में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में, जोधपुर राजस्थान में, पटना बिहार में, रायपुर छत्तीसगढ़ में एंड ऋषिकेश उत्तराखंड में। यहाँ पर 3 आ रहा है, ऋषिकेश, जोधपुर एंड भुवनेश्वर। यहाँ भुवनेश्वर है, ये ऋषिकेश है और ये जोधपुर है। आंसर इसमें शिमला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज द न्यूट्रलिस्ट थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन दिया हुआ है एडवांटेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स डिसएडवांटेजेस एंड फोर्थ नंबर अनइम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें आंसर नंबर 4 हो जाएगा। कैसे होगा? ये रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में एक बुक पब्लिश किया था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के नाम से, इन विच ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्सेज। ही डेवलप्ड द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन विच ही रोट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स एक्सपोनेंशियली, ऑन द अदर हैंड फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस अरिथमेटिकली, दैट्स वाई देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये इसका फुल एक्सप्लेनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following is largest form of soil degradation in India? इसमें आंसर नंबर 1 हो जाएगा, erosion by running water। कैसे होगा? According to ICAR, ICAR क्या है? Indian Council of Agricultural Research, National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning, water erosion is the most serious degradation problem in India। क्वेश्चन नंबर 35, ये मैचिंग प्रॉब्लम है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, जो मैंने पीछे भी डिस्कशन किया है उसमें भी आया है और ये अभी फिर से रिपीट होकर के आ रहा है। इंटरजेनरेशनल वेल्थ फ्लो थ्योरी, द थ्रेशहोल्ड हाइपोथेसिस, द थ्योरी ऑफ चेंज एंड रिस्पॉन्स, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑन फर्टिलिटी। जो इंटरजेनरेशनल वेल्थ फ्लो थ्योरी था वो JC कार्डवेल साहब ने दिया था। द थ्रेशहोल्ड हाइपोथेसिस ये यूनाइटेड नेशंस के थ्रू डेवलप किया गया था। थ्योरी ऑफ चेंज एंड रिस्पांस, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किंग्सले एंड डेविस के थ्रू। और जो लास्ट बच जाता है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ फर्टिलिटी, ये स्टर्लिंग साहब ने दिया था। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का 3rd, यहाँ 2 बार आ रहा है, अब बी को मैच करना है बस। तो बी कौन सा होगा? बी का कौन सा हो रहा है? 4th, यूनाइटेड नेशंस। इसमें आंसर नंबर 1 हो जाएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल ही ईजी होता है, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच किया हुआ है, आप यहां से इसको नोट कर सकते हैं। इसमें आंसर 1 होगा। तो ये नवंबर 2017 के पेपर 2 का क्वेश्चन 31 से 35 तक के सॉल्यूशन का विथ एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आप मेरे इस पूरे सीरीज को देख रहे होंगे तो आपको एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। हमारे न्यू अपडेट को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिराज आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ यूजीसी नेट के पॉपुलेशन स्टडीज़ के पेपर का सॉल्यूशन। इस सीरीज़ में नवंबर 2017 के पेपर का सॉल्यूशन मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जो क्वेश्चन 36 से 40 तक का है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मेजर पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स अंडर विच एमंग द फॉलोइंग हजार्ड। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मोस्ट सीरियस हजार्ड है वो शॉर्टेज ऑफ वाटर। सो इस केस में आंसर हो जाएगा ड्राउट। आंसर नंबर 2, इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन हेवीली डिपेंडेंट ऑन मानसून रेनफॉल। ड्राउट्स एंड फ्लड्स आर द टू अकम्पनिंग फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। According to some estimates, nearly 19% of the total geographical area of country and 12% of its total population suffer due to drought every year. About 30% of country's total area is identified as drought prone, affecting around 50 million people. It is a common experience that while some parts of country reel under floods, there are regions that face severe drought during the same period. Drought होता क्या है? शॉर्टेज ऑफ वाटर इन सम मेनी रीजन्स। टाइप्स ऑफ ड्राउट क्या क्या है? मेट्रोलॉजिकल ड्राउट्स, एग्रीकल्चरल ड्राउट, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट एंड इकोलॉजिकल ड्राउट। क्वेश्चन नंबर 37, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स हाई टू लो बाय देयर लेवल ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अकॉर्डिंग टू एसआरएस बुलेटिन दिसंबर 2016। चूंकि ये क्वेश्चन हम 2019 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए करेंट डेटा को यहाँ पर अरेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड राजस्थान। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर को मैंने एसआरएस बुलेटिन 2019 के अकॉर्डिंग यहाँ मैंने अरेंज किया है, जिसमें मध्य प्रदेश 47, उड़ीसा 41, उत्तराखंड 32 एंड राजस्थान 38। तो यहाँ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? एमपी, उड़ीसा, राजस्थान एंड देन उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? A, B, D एंड C। इसमें आंसर 2 हो जाएगा। अब देखिए, एमपी में इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा है 47। मैंने यहाँ पर एसआरएस बुलेटिन में 2019 के अकॉर्डिंग दो टाइप के डेटा को अरेंज किया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट स्टेट्स का हाई टू लो और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट स्टेट्स का ही लो टू हाई। और इंडिया के केस में बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट एंड IMR आप यहां से नोट कर सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश का सबसे हाई है, उसके बाद आसाम 44, अरुणाचल प्रदेश 42, उड़ीसा और यूपी 41, छत्तीसगढ़, राजस्थान 38 एंड बिहार 35। ये इतना अरेंजमेंट है जो आप याद रखेंगे, जिसमें सबसे मैक्सिमम जो मध्य प्रदेश का है उसका आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डेटा के सहित याद रखिए, और बाकी का याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप अरेंजमेंट याद रखिए। इस ऑप्शन में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा दिया हुआ है, लेकिन एसआरएस बुलेटिन में 2019 के अकॉर्डिंग आसाम और अरुणाचल प्रदेश भी है जो उड़ीसा से ऊपर है। अब इसमें लो इन्फेंट मोर्टेलिटी किस स्टेट का है? सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी नागालैंड का है, देन गोवा का है। नागालैंड और गोवा दो ऐसे स्टेट हैं जिनका सिंगल डिजिट में इन्फेंट मोर्टेलिटी है। इसके बाद पुदुचेरी, मणिपुर, सिक्किम। पुदुचेरी का 11 और मणिपुर और सिक्किम इन दोनों स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 12 है। इंडिया के केस में बर्थ रेट 20.2, डेथ रेट 6.3, नेचुरल ग्रोथ रेट 13.9 एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी करेंट स्टेटस में 33 है। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए ये फिर एक क्वेश्चन आ गया एसआरएस बुलेटिन से। एज पर द एसआरएस बुलेटिन दिसंबर 2016, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को मई 2019 के अकॉर्डिंग अरेंज किया है करंट डेटा के अकॉर्डिंग। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज हैविंग द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का लो टू हाई हमने स्टेट को अरेंज किया। यहाँ पर सेम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम टू सेम पूछा जा रहा है। मैंने उस एसआरएस बुलेटिन से डेटा को अरेंज करके इस ग्रीन फिगर में रखा है। हिमाचल प्रदेश 22, तेलंगाना 29, झारखंड 29 एंड छत्तीसगढ़ 38। तो इस केस में हिमाचल प्रदेश सबसे कम हो जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मेंशन्ड है प्रीवियस क्वेश्चन में। सो हिमाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट लेवल ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इन द गिवन क्वेश्चन। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, compared to men, women have lower HDI value across the world. Which of the following has the largest gap in HDI of men and women in the world? Human Development Index में जो largest gap है वो South Asia में पाया जाता है। यहाँ पर इसका explanation भी लिखा हुआ है। The gender gap is widest in low human development countries where the average HDI value is 13.8% lower for women than for the men. Among developing regions, the gender gap is narrowest in Latin America and the Caribbean, 2.3% है। कहाँ? Latin America and Caribbean में, and widest in South Asia, that is 16.3% and the Arab states 14.5%। जो maximum जो HDI में gap है वो 16.3% है। कहाँ? South Asia में। अब थोड़ा ऊपर की लाइन को देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड द एवरेज एचडीआई वैल्यू 0.705 फॉर वीमेन इज 5.9% लोअर देन दैट फॉर मेन 0.749। आपको याद होगा इसके पहले इसी क्वेश्चन के 28 नंबर क्वेश्चन में एचडीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, जहां पर साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में वहां एचडीआई वैल्यू पूछा गया था। वहां पर मैंने इंडिया के एचडीआई वैल्यू के बारे में बताया था जो मीडियम एचडीआई वैल्यू रखता है 0.640, जो 189 कंट्रीज में 130 रैंक रखता है। अब टॉप 5 कंट्रीज इन द ग्लोबल एचडीआई रैंकिंग में कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड एंड जर्मनी। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जो एचडीआई वैल्यू में टॉप पर हैं। बॉटम 5 कंट्रीज कौन कौन है? बुरुंडी, चाड, साउथ सूडान, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड नाइजर। ये सोर्स मैंने कहां से लिया? यूएन's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस एंड इंडिकेटर्स 2018। क्वेश्चन नंबर 40, एसर्शन और रीजन के ऊपर है ये क्वेश्चन। वुमेन बिलोंगिंग टू लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस वायलेंस एज कंपेयर टू दोज बिलोंगिंग टू हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। बिल्कुल सही बात है। इसके रीजन में क्या लिखा है? वुमेन बिलोंगिंग टू लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आर मैरिड टू लेस एजुकेटेड हस्बैंड। ये भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस केस में आंसर 2 हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें थोड़ा और इंफॉर्मेशन है, देख लेते हैं। वुमेन फ्रॉम लोअर क्लास फैमिलीज एंड फ्रॉम फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर more prone to physical violence as compared with those from middle class and upper class families. The women from middle class and upper class families are more likely to suffer from emotional abuse. ये पूरा कंटेंट कहाँ लिखा हुआ है? प्लानिंग कमीशन के वेबसाइट पर आपको ये मैटर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, according to 2011 census, proportion of 0 to 6 population is lowest in which of the following states? इसमें आंसर नंबर 2 हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में 0 to 6 ईयर्स के एज ग्रुप का पॉपुलेशन सबसे कम है। अब इसमें बॉटम 5 और टॉप 5 इन दोनों स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं। बॉटम 5 स्टेट्स बाय प्रोपोर्शन ऑफ 0 to 6 ईयर्स पॉपुलेशन लो टू हाई, तमिलनाडु, गोवा, केरला, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, जिसमें तमिलनाडु सबसे कम है, उसके बाद गोवा है। टॉप 5 स्टेट्स बाय प्रोपोर्शन 0 to 6 ईयर पॉपुलेशन हाई टू लो, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है 0 to 6 ईयर्स का वो मेघालय में है, फिर बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड एंड देन राजस्थान। द प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 0 to 6 ईयर्स टू टोटल पॉपुलेशन इज 13.6%। क्वेश्चन नंबर 42, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वेर रिप्लेस्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) इन 2016, इंक्लूडिंग सम ऑफ द न्यू एरियाज ऑफ कंसर्न गिवन बिलो। जो MDG है उस MDG को SDG से रिप्लेस किया गया था कब? 2016 में। यहाँ पर A, B, C और D इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों को यहाँ कोड से सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर SDG 13, SDG 10, 11 एंड MDG 1, इस MDG और SDG के डॉक्यूमेंट से ग्रीन फिगर में मेंशन किया है। SDG 13 जो था वो क्लाइमेट चेंज था, SDG 10 इकोनॉमिक इक्वालिटी था, SDG 11 सस्टेनेबल कंजम्पशन था और जो फोर्थ नंबर इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी है ये MDG का टारगेट था। MDG 1 जो 2000 में सेट किया गया था, जिसमें 8 गोल और 48 इंडिकेटर्स थे जिसको 2015 तक अचीव करने का लक्ष्य रखा गया था। देन 2016 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को रिप्लेस करके। इसमें 17 ग्लोबल गोल को सेट किया गया था जिसका टारगेट 2030 तक रखा गया है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? SDG और SDG A, B और C, ये तीनों मैच हो रहा है, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वेर एस्टेब्लिश्ड इन 2000। देयर वेर 8 गोल्स and 48 indicators of MDG set to achieve by 2015। कौन कौन से थे? नंबर के साथ आपको याद रखना जरूरी है। जो MDG 1 था वो eradicating extreme poverty and hunger। सेकेंड नंबर जो MDG था achieve universal primary education। थर्ड नंबर promote gender equality and empower women। फोर्थ नंबर reduce child mortality। फिफ्थ नंबर improve maternal health। सिक्स नंबर combat HIV AIDS malaria and other diseases। 7 नंबर इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड 8 नंबर ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। इसमें 4, 5 और 6 जो 3 गोल थे वो हेल्थ से भी रिलेटेड गोल हैं और 6 नंबर गोल जो है वो डिजीज से रिलेटेड गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या था? इट वाज सेट बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2015 एंड केम इनटू इफेक्ट इन जनवरी 2016। SDGs are a collection of 17 global goals to be achieved by 2030। इसमें ये टोटल 17 गोल्स हैं जिसको अचीव करने का टारगेट रखा गया 2030 तक। आप यहाँ से टोटल 17 गोल्स को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मैच मोर्टेलिटी मेजर्स गिवन इन लिस्ट 1 विथ देयर डेफिनेशंस इन लिस्ट 2 यूजिंग कोड गिवन बिलो। यहाँ पर न्यूनेटल मोर्टेलिटी, अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी, लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी एंड पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी, ये 4 दिया हुआ है। इन चारों को इस 1, 2, 3 एंड 4 से मैच करना है। तो सबसे पहले न्यूनेटल मोर्टेलिटी होता क्या है? डेथ बिटवीन 0 to 28 डेज पर लाइफ बर्थ। अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी 0 to 7 डेज के अंडर में जो भी डेथ होंगी उसको अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी कहते हैं। लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी क्या होगा? जैसे अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी में 0 to 7 डेज चला और लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी में 7 to 28 डेज हो जाएगा। तो जो लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी होगा उसमें 7 to 28 डेज के बीच में पर लाइफ बर्थ जो भी डेथ होंगे तो उसे लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी कहेंगे। और पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी क्या होगा? जैसे यहाँ न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट था, मींस कि 0 to 1 month था, अब 1 month के बाद लेकिन 1 साल के पहले मतलब 12 month से पहले जो पर लाइफ बर्थ डेथ होगी वो पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी होगा। अब हम यहाँ मैच करते हैं। तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी क्या है? द मोर्टेलिटी ऑफ लाइफ बॉर्न बिफोर कंप्लीटिंग 4 weeks और 28 डेज, ए का हो जाएगा 3rd नंबर। अर्ली न्यूनेटल क्या होगा? 0 to 7 डेज या 1st week ऑफ लाइफ। द मोर्टेलिटी ऑफ लाइफ बॉर्न ड्यूरिंग द 1st week ऑफ लाइफ, इसमें बी का हो जाएगा 4 नंबर। लेट न्यूनेटल क्या होगा? अभी मैंने बताया, द मोर्टेलिटी ऑफ लाइफ बॉर्न आफ्टर 1st week बट बिफोर 28 डेज ऑफ लाइफ। और जो लास्ट बच जाएगा पोस्ट न्यूनेटल, ये 2nd नंबर हो जाएगा। द मोर्टेलिटी ऑफ लाइफ बॉर्न आफ्टर 1 month बट बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 year, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, ए का 3, देखिए यहाँ पर 3 हो रहा है, ये आंसर नंबर 3 हो जाएगा। बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच किया हुआ है। अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी डेथ ड्यूरिंग 0 to 7 डेज मींस 1 week ऑफ लाइफ। लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी डेथ ड्यूरिंग 7 to 28 डेज ऑफ लाइफ। न्यूनेटल मोर्टेलिटी क्या होगा? डेथ ड्यूरिंग 0 to 28 डेज मींस 1 month ऑफ लाइफ। पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी क्या होगा? डेथ ड्यूरिंग 1 to 12 month ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 44, according to the data published in SRS bulletin May 2019, Which state of India has the highest natural growth rate of population? मई 2019 के अकॉर्डिंग जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो बिहार का सबसे हाई है। इसमें आंसर 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू SRS बुलेटिन मई 2019 बिहार हैज द हाइएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट 20.6। द टॉप 5 स्टेट्स इन नेचुरल ग्रोथ रेट रैंकिंग, ये कौन कौन से हैं? बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। और बॉटम स्टेट्स कौन कौन से हैं? पुडुचेरी 5.9, पुडुचेरी का नेचुरल ग्रोथ रेट सबसे कम है 5.9, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 6.2 एंड देन गोवा 6.4। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या क्या है? 20.2, 6.3, 13.9 एंड 33। ये आप पूरे डेटा को याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, आपको SRS बुलेटिन से कम 6 या 7 क्वेश्चन जरूर ही जरूर मिलेंगे। और अगर सेकंड पेपर में जो 100 क्वेश्चंस का अब रूल आ गया है तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग SRS बुलेटिन से 10 से 12 क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्वेश्चन नंबर 45, Which one of the following is correct percentage of India's population aged 0 to 4 years according to 2011 census? ये 0 to 4 years का जो population था 2011 census के according ये approx 10% था। यहाँ पर mention किया हुआ है 0 to 4 years 9.7। इसमें आंसर नंबर 3 हो जाएगा। एज डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा दिया हुआ है पॉपुलेशन शेयर के अकॉर्डिंग 5 to 9 ईयर्स का जो पॉपुलेशन शेयर था 9.2%, 10 to 14 ईयर्स 10.5%, 15 to 59 ईयर्स 62.5% एंड 60+ ईयर्स जो था वो 8%। ये आप पूरे टेबल को आप याद रखेंगे। ये नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। क्वेश्चन नंबर 46, Which of the following sources or combination of sources are used to measure total fertility rate in India? Total fertility rate का जो measurement है demographic survey और sample registration system, इन दोनों के थ्रू किया जाता है। demographic survey कौन कौन से हैं? NFHS, DLHS और AHS। Current status of TFR ये क्या है? SRS 2017 और NFHS 4 इन दोनों के ही according TFR अभी इंडिया का latest 2.2 है। The total fertility rate of a population is the average number of children that would be born to a woman over her lifetime. ये एक TFR का definition है। TFR is not based on the fertility of any real group of women, since this would involve waiting until they had completed childbearing. That's why it is a synthetic rate. ये question पूछा जाता है कि synthetic cohort किससे related है, तो ये हो जाएगा TFR से related. TFR के सोर्स के अलावा यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन यहाँ जो मेंशन किया है आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एज पर NFHS 3 एंड NFHS 4 डेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिकॉर्डेड स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन TFR? यहाँ पर फिर से TFR का क्वेश्चन आ गया। NFHS 3 और 4 के डेटा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इन चारों स्टेट का डेटा अरेंज किया है, जिसमें एक इंडिया को भी यहाँ पर मेंशन किया है। NFHS 3 के अकॉर्डिंग इंडिया का जो TFR था वो 2.7 था और NFHS 4 में 2015-16 के ड्यूरेशन में ये 2.2 हो गया। आंध्र प्रदेश 1.8, 1.8 ये दोनों सेम था। बिहार 4 था NFHS 3 में और NFHS 4 में 3.4 हो गया। राजस्थान 3.2 था NFHS 4 में 2.4 हो गया। इंडिया का TFR NFHS 3 में 2.7 था जो NFHS 4 में 2.2 हो गया। TFR डिक्लाइंस बाय 0.5। सिमिलरली आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इन सब का जो NFHS 3 में TFR था 4, 3.2 एंड 3.8 रिस्पेक्टिवली और NFHS 4 में ये घटकर बिहार 3.4 हो गया, राजस्थान 2.4 हो गया और उत्तर प्रदेश 2.7 हो गया। ए डिक्लाइनिंग ऑफ 0.6, 0.8 एंड 1.1। इसमें स्टीपेस्ट डिक्लाइनिंग जो TFR में हुआ वो उत्तर प्रदेश में। आंसर नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है TFR डिक्लाइंस बाई 1.1। क्वेश्चन नंबर 48, यूजिंग कोड्स गिवन बिलो रैंक द फॉलोइंग स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2011। पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग इन चारों स्टेट को रैंक करना है। यहाँ पर जो ग्रीन फिगर में दिख रहा है इसको मैंने सेंसस 2011 के रिपोर्ट से लिया है। बिहार 1106 इसका डेंसिटी है, वेस्ट बंगाल 1028 डेंसिटी है, केरला 860 एंड उत्तर प्रदेश 829। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम अरेंज करेंगे तो बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला एंड देन उत्तर प्रदेश, ए बी सी एंड डी, इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। ये हमने डेंसिटी को डिफाइन कर दिया। द पॉपुलेशन डेंसिटी गॉन अप टू 382 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर इन द सेंसस 2011 फ्रॉम 3 to 5 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर इन द सेंसस 2001। ये 2001 से 2011 के बीच 57 इनहेबिटेंट्स का एडिशन था ड्यूरिंग ए डिकेड। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में है, ये 17 है। क्वेश्चन नंबर 49, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन हु आर ओवरवेट अकॉर्डिंग टू NFHS 4। NFHS 4 के डेटा के अकॉर्डिंग ओवरवेट वुमेन के प्रोपोर्शंस को उसके स्टेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, हाईएस्ट टू लोएस्ट। यहाँ पर NFHS 4 के फैक्ट शीट से हमने इस डेटा को अरेंज किया, जिसमें 20.6% वुमेन्स वेयर ओवरवेट और ओबेस। इन चारों स्टेट्स के डेटा को जब अरेंज किया तो पता चला कि इसमें आंसर नंबर 4 हो जाएगा, बी डी सी एंड ए। इसका प्रोपोर्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। गोवा 33.5%, तमिलनाडु 30.9%, गुजरात 23.7% एंड हरियाणा 21.0%। इसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये हाईएस्ट टू लोएस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, आउट ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस which one was responsible for making last set of available population projections? इस population projections के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लास्ट सेट किसके थ्रू पब्लिश किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन, इन तीनों के थ्रू पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस का सेट, ये तीनों पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज ये इसमें नहीं आता है, तो इसमें कौन कौन सा होगा? ए एलोन, ए एंड डी, ए बी डी, इसमें ए बी सी तो आंसर आ नहीं रहा है, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MoHFW, नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन NCP एंड प्लानिंग कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक लास्ट सेट ऑफ अवेलेबल पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस। ये सोर्स कहां से लिया? सेंसस रिपोर्ट 2011 में। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2017, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सरपास दैट ऑफ चाइना बाय 2024। ये आप ईयर याद रखेंगे, ये नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाइना विथ 1.4 बिलियन इनहेबिटेंट्स एंड इंडिया 1.3 बिलियन इनहेबिटेंट्स remains the two most populous countries comprising 19% and 18% of the total global population। ये पूरे डेटा को आप याद रखेंगे जो इसके साथ हमने अलग से अरेंज करके यहाँ पर रखा हुआ है। तो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन। तो नवंबर 2017 के पेपर 2 का सोल्यूशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे नए अपडेट को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।